हिमाचल प्रदेश समेत देश विदेश में जहां कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं कुल्लू जिले के मलाणा गांव को आज तक कोरोना महामारी छू भी नहीं पाई है। कोरोना काल के अब तक के 15 माह में इस गांव में एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया। हिमाचल प्रदेश का मलाणा गांव एकांत गांव है, जो पार्वती घाटी की एक तरफ की घाटी है। मलाणा गांव कुल्लू जिले में स्थित है, जो अपनी मजबूत संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। ये जगह उन लोगों के लिए बहुत खास है जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना काल के अब तक के 15 माह में कुल्लू जिले के मलाणा गांव में एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया। ये इसीलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि पूरे कोरोना काल में यहां के बाशिंदों ने बाहरी लोगों और पर्यटकों पर इस गांव में आने पर रोक लगा रखी है। 2350 आबादी वाले इस गांव में देवता जमलू का कानून चलता है। मलाणा गांव के लिए एचआरटीसी की एकमात्र बस सेवा है। कोरोना के चलते वो भी एक साल बाद इसी साल अप्रैल में चली थी, लेकिन अब फिर से बंद हो गई है। आसपास के गांव के लोगों से भी यहां के लोग गांव के मुख्य गेट के बाहर ही मिलते हैं। पिछले अप्रैल से गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश बंद है। इस गांव में यदि कोई अपराध करता है तो सजा कानून नहीं बल्कि देवता जमलू देते हैं। देवता गुर के माध्यम से अपना आदेश सुनाते हैं। भारत का कोई भी कानून या पुलिस का राज यहां नहीं चलता। अपनी इसी खास परंपरा, रीति रिवाज और कानून के चलते इस गांव को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है। मलाणा गांव कुल्लू जिले में स्थित है, जो अपनी मजबूत संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना जाता है। ये जगह उन लोगों के लिए बहुत खास है जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहते हैं। यहाँ की सबसे खास बात ये है कि इस जगह पर भारतीय कानून नहीं चलते। यहाँ की अपनी संसद है जो सारे फैसले करती है। मलाणा गांव के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं। स्थानीय लोग इसे पवित्र जुबान मानते हैं। इसे बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जाता। ये भाषा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती। हालांकि स्थानीय लोग हिंदी समझ जाते हैं, मगर वे उसके जवाब में जो कहते हैं वो बात कनाशी में होती है और समझ में नहीं आती है। मलाणा गांव की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था ने दुनिया भर में लोगों को हैरान किया है। लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर इस पिछड़े दूर दराज के अलग थलग गांव में इतनी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे शुरू हुई। यहां के लोगों के सर्द बर्ताव में भी एक राज छुपा है जो खुलना अभी बाकी है।